हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिम्मत चली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। उम्र दीदी ने मना की कि ये क्लिप नहीं डालना, नहीं नई फिल्म आ रही है उसका हीरो एनिमल एनिमल। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर दारला घाट में। वैसे आज का जो दिन है वो ज़्यादा खुशी वाला दिन नहीं है, क्योंकि हम सब वहाँ जा रहे हैं, इसलिए वैसे अच्छा नहीं लग रहा वहाँ जाना, क्योंकि मेरे जो मामू हैं उन एक्सपायर हुए थे आज ही के दिन 4 साल पहले। तो उनका चतुर्थी जो श्राद्ध होता है वो है आज। तो उनका जब वो 1 साल के बाद उनका वार्षिक श्राद्ध हुआ था, तो उस टाइम भी मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। पर इस बार उन्होंने फिर से बुलाया है, तो मैं कहा चलो सबसे मिल के आती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है वहाँ जाए बिना, तो काफ़ी टाइम हो गया है सबसे, मामू के बच्चे, नानी सबसे मिले हुए। तो मैंने सोचा चलो आज मिल के आती हूँ सबसे, और मैंने सोचा चलो आज वीडियो भी बना देती हूँ। वैसे शायद वहाँ पर जाके मैं अनकम्फर्टेबल होंगी वीडियो बनाने में, क्योंकि इतने दिनों के बाद सब लोग मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि अपने सबको मैं इसमें वीडियो में कैप्चर कर लूँ, जब भी कभी मन हो तो सबको देख लिया। तो फिर मिलती हूँ आपको सीधे अब दारला घाट में। वीडियो बनाने के लिए मैंने कंफर्टेबल इसलिए बोल रही थी क्योंकि जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो सब लोग खुशी से पिक्स या वीडियोज़ बनाते हैं। बट शायद आज कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। बहुत कम होता है कि हम सारे कज़न्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, और ये हम सब जो मासी की बेटियां, मामू के बच्चे हैं, वो सारे नानी के घर में एक साथ मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज के दिन को मैं अपने कैमरे में कैद कर लेती हूँ। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ दारला घाट, बट यहाँ पर आके मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, उनका जो ऑफिस है वो दारला घाट में है, तो उन्हें 10 बजे तक तो पहुँचना ही होता है। तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे कि इतनी जल्दी मुझे नहीं पहुँचना सबसे पहले। थोड़ी देर बाद ऐसा है कि मामू मासी के बच्चे भी आ जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, और फिर इस मौके पे जाना थोड़ा सा अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नानी मामू के घर में आना खुशियों में ही अच्छा लगता है, ऐसे नहीं। बट चलो जब कोई बुलाता है हमें तो हमें जाना भी चाहिए। फिर यहाँ पे आके मुझे ख्याल आया कि यहाँ मेरी फ्रेंड रहती है एक दारला घाट मोड़ पे, तो मैंने उसे कॉल की अभी भी, तो उसने कहा कि मैं घर पे ही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अब उससे मिलने उसके घर। तो आपको भी मिलाती हूँ अपनी फ्रेंड से। उसे मैं फ्रेंड भी कह सकती हूँ और कज़न भी कह सकती हूँ, यानी कि जो हमारा मायका है वो एक ही जगह है, हमारा बचपन साथ बिता हुआ है। तो बहुत टाइम हो गया है मैं उससे मिली नहीं हूँ, मैं आज फर्स्ट टाइम उसके घर जा रही हूँ। एक बार वो मेरे पास आई थी अर्की में, यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है उसके घर तक। तो हस्बैंड ने ऑफिस से परमिशन ली और ये मुझे वहाँ पर छोड़ के वापस आ गए ऑफिस। तो ये है जी बंधु, जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो इसने मुझे ऊपर से इशारा कर दिया कि मेरा घर यहाँ पर है और आ जाओ। सच में लड़कियों की लाइफ भी कितनी अजीब होती है ना, बचपन में एक दूसरे के साथ इतना साथ होता है कि हम एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं होंगे, और बाद में जब शादी होती है तो एक पूर्व में एक पश्चिम में, फिर एक दूसरे को देखने के लिए भी तरस जाते हैं। इसके घर के सामने का व्यू अच्छा दिख रहा था, तो मैंने कैमरा उस तरफ घुमा दिया। यहाँ पर अभी ये किराए के घर में रहते हैं, तो यहाँ पर ही ये अपना घर बना रही है सामने जो आपको दिख रहा है। बंधु कह रही थी कि जब मैं अपने नए घर में जाऊंगी तो तू जरूर आना। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। हम बातें कर ही रहे थे तो तब तक उसके सासू माँ भी गांव से उसके पास आए, वो दारला घाट गए थे दुआई के लिए। तो वापसी में इन्होंने सोचा कि चलो इनसे मिलते हुए चलते हैं, तो मेरा भी इनसे मिलना हो गया इस बहाने। थोड़ी देर गपशप मारने के बाद हमने खाया खाना। तो भाई मैंने खाना मेरा खा लिया, पेट फूल हो गया है। बंधु ने बनाया था मटर पनीर और दलिया, जो मैंने आप लोगों को दिखा लिया। और अब जा रही हूँ मैं नानी के घर दारला सियार में, तो ये मुझे बस में बैठाने आए हुए हैं, यहाँ से मैं बस में जाऊँगी अभी। तो मिलती हूँ आपको अब नानी के घर में। यहाँ पे मुझे अचानक से मिल गए मेरे मामी तो इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको मामी? बहुत अच्छा। मामी के साथ इनकी बेटी निधि, और निधि से मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करा दिया और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ गया, थैंक यू निधि। हम बस का वेट कर ही रहे थे कि बंधु के कोई जानने वाले मिल गए, और वो भी दारला घाट जा रहे थे, तो बंधु ने मुझे उस गाड़ी में बैठा दिया। और फिर उन भैया का जो घर था वो रास्ते में था, उन्होंने घर से कुछ सामान लेना था, तो उन्होंने हमें कहा कि आप भी मेरे घर चलो और मेरी वाइफ से मिलना, और दो दो घूंट चाय भी हो जाए। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं, तो किसी के घर कैसे चल जाए, बट उनका बिहेव इतना अच्छा था कि हम मना ही नहीं कर पाए। उनकी गाड़ी में पहले से एक दीदी बैठे थे, तो हम दोनों फिर उनके घर चले गए। अब यहाँ पे नीचे मिले गए थे राजू भैया, जिनकी सुनियार की शॉप है मोड़ के पास। तो ये भैया बहुत अच्छे, ऐसा लगा फर्स्ट टाइम मिलके कि हम जैसे इनको बहुत टाइम से जानते हैं। इनका अपना खानदानी सुनियार का काम है। तो आप बताएंगे जो ये आपकी शॉप कहाँ है, क्या है? ये दारला मोड़ पे। दारला मोड़ पे जी।
हाँ तो ये ना हाथ से करते हैं, इनके जो कारीगर काम होता है आजकल रेडीमेड मिलता है ना सब कुछ, बट ये जो इनके साथ ये वाले दीदी मिले हमें इनके साथ थे, तो ये बता रहे थे कि हमारे बुजुर्गों से लेकर हम इनसे ही सारा काम करवाते सुनियार का, तो ये जो कारीगरी पूरी हाथ से करते हैं गोल्ड की, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये रहते हैं मोड़ के पास जी, राजू ज्वेलर के नाम से। तो ये हमें यहाँ पे मिलाने के लिए इसलिए लाए थे कि इन्होंने कहा कि मेरे मिसिज है यहाँ पे बहुत प्यारे से, तो उनसे मिलाती हूँ। रितिका हाँ नमस्कार दीदी, नमस्ते जी। और कहते ये बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखने हैं, तो मैंने सोचा चलो अब इस बहाने मेरी वीडियोस देख लेंगे। हमारे आते ही रितिका दीदी ने एकदम से चाय बना दी, और चाय पीने के साथ साथ इन्होंने मेरा चैनल सर्च किया और वीडियो देखना भी शुरू कर दिया। ठीक है दीदी, बाय बाय। इन लोगों से मिलके आज इस बात का तो यकीन हो गया कि सच में दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। बस यही कहूंगी कि इस परिवार पे भगवान जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ सियार में अपने मामू के पास। तो ये जो सामने आपको घर दिख रहा है ये मेरे मामू का, जो तीसरे मामू है उनका है, और जो तीन मामू उनका घर जहाँ हमारा पुराना घर होता था वहीं पर उन्होंने अपने नए घर बना दिए। तो ये थोड़ा इनकी साइड में ज़मीन थी तो उन्होंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पे अभी नानी जी होंगे घर पे, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं नानी से मिल लेती हूँ। वैसे हम नानी को आमा ही बोलते हैं, तो मैं कहा आमा से मिल लेती हूँ। आमा परे नहीं गए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बाकी सब लोग यहाँ पे अभी कोई नहीं है, मामू वगैरह उनके बच्चे सब परे गए हुए हैं दूसरे घर में, क्योंकि वहीं पर सारे लोग आ रहे हैं और वहाँ पर जो भी हवन वगैरह आता है सब कुछ वहीं पर है। तो मैंने सोचा चलो मैं आमा से मिल के आती हूँ। ये देखो यहाँ, वाह जी वाह, मामी जी ने धनिया लगाया है और इतने ज़्यादा मेहनती है, इनके हाथ में इतना जैसे कि जहाँ भी ये हाथ डालते तो मिट्टी को सोना बना देते। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ आमा के पास। तो आमा कर रहे थे रेस्ट, इनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती इसी वजह से ये परे वाले घर में नहीं गए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होना था, इसलिए यहीं पर है। थोड़ी देर बाद ही मम्मी मासी मामी और मेरी कज़न यहाँ पर आ गए थे इनसे मिलने, तो सब मिलकर कर रहे हैं यहाँ बातें। यहाँ पर मामा जी की बात चली थी तो सब लोग इमोशनल हो गए थे और आमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सच में ये सिचुएशन किसी की लाइफ में ना आए कि हमारे जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारे सामने कुछ हो जाए, ऐसा किसी के साथ ना हो। ये मेरी कज़न है छोटी मासी की बेटी रीनू। यहाँ पे आमा ने खोल दिया अपना पिटारा और अपनी बेटियों को दे रही है दक्षिणा, बेटियों की बेटियों को भी दे रही है दक्षिणा, यानी कि हमारा हम दोतियों को। मामा से मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे मामा के घर पे। बीच में मेरे को मेरे मासी मिल गए जी। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं नानी के घर आके, ये फायदा है ना। यहाँ हम पहुँच गए हैं मामू के घर में, तो जो तीन मामू उनके घर यहीं पे है एक साथ ही। तो यहाँ पे आते ही पहले तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू पार्टी मिल गई। छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, इनको देख के ना यहाँ पे सबके चेहरों पर स्माइल आई हुई है। यहाँ पे ये मेरे सबसे छोटे वाले मासी है और ये है हमारा लक्ष्य। हाय लक्ष्य। ये मेरा कजन, ये मेरे कजन का बेटा, ये मामू का बेटा और ये हीरो हमारा। नई फिल्म आ रही है उसका हीरो एनिमल। ये यहाँ पे मेरी दो मामियाँ हैं सामने, एक दिन के घर में हम आए और एक ये सबसे छोटे वाले मामी, और ये वाले मामी जी जिनके घर पे मैं पहले गई थी जहाँ पे जो आमा रह रही है वो वाले मामी है। पाना नहीं है, बिल्कुल नहीं पाना है। मैं इस क्लिप को मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी ये, क्योंकि उर्मिला दीदी ने मना की कि ये क्लिप नहीं डालना नहीं, और मैं इसको डालूंगी नहीं, डालूंगी नहीं, डालूंगी नहीं। यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से सीधे, क्योंकि अब हमने इनके साथ ही घर वापस जाना है सबने। तो रीनू अपने जीजू से मिलती हुई, यहाँ पे ये मेरी मम्मी है तो ये फिर उनसे भी मिल लिए,
और जैसे ये बैठे तो मेरी मामी जी, उनके एक सिस्टर, उनकी शादी भी इसी गाँव में हुई है, तो ये एकदम से उनके पास के लिए गए और फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई और है, फिर पीछे वहीं पर रुक गए। तो मैंने इनको बताया कि ये मामी जी के सिस्टर है, उनकी शक्ल काफ़ी एक दूसरे से मिलती है। उसके एकदम बाद ही मामी जी भी आ गए, तो ये फिर उनसे भी मिल लिए। फिर मैं चली गई ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पूजा हो रही थी। तो ये है मेरे मामा जी, ये दूसरे नंबर के मामा जी थे, उनकी एज 50-55 के बीच में ही थी। सच कहूँ तो अब यहाँ पर आने का मन ही नहीं होता। जैसे ही हम यहाँ पे आते तो मामा जी का चेहरा एकदम आँखों के सामने आ जाता है। क्या नाम है आपका? अभियान है। अभियान। और आपका? गुनगुन। ओके, बाय गुनगुन। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि हमें निकलना है घर की तरफ, काफी टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ। मैं आप लोगों को अपने तीनों मामा जी और बड़ी मामी जी से नहीं मिला पाई क्योंकि वो लोग बिजी थे। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को उनसे जरूर मिलाऊंगी। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने घर और अभी हो रहे शाम के 7:30। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। ओके देन, बाय बाय।